हाय गाइस, वेलकम टू टिस्मैट वीडियो। सो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था टिस्पैट को लेके बनाया था, ठीक है। जो लोग नॉन HRMLR एंड ODCL के लिए, उनके लिए टिस्पैट है, प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट, PAT पैट। बट आज का वीडियो है जो वो टिस्मैट को लेके, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि HRMLR एंड ODCL के बच्चों के लिए। द स्टूडेंट दोज आर अप्लाइंग फॉर HRMLR एंड ODCL कोर्सेज, द स्टूडेंट दोज आर अप्लाइड फॉर HRMLR एंड ODCL, उनको ही सिर्फ टिस्मैट का एग्जाम लिखना। अगर आप HRMLR ODCL के बाद कोई तीसरा कोर्स अप्लाई करते हो तब आपको उसका पैट लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसको लेके डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, एंड अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पैट और मैट को लेके नहीं आया हुआ है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो 2021 के बेसिस पे दे रहा हूँ, जब उन्होंने लॉन्च किया था टिस्पैट और मैट, बट कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज़ क्लियर। मैट का जो एग्ज़ाम है टिस्पैट, वो HRMLR एंड ODCL के स्टूडेंट्स को ही लिखना है सिर्फ। एंड इफ यू हैव अप्लाइड फॉर सम अदर कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम HRMLR एंड ODCL, देन ओनली यू हैव टू राइट पैट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, दैट्स ऑल, ठीक है। सो लेट्स गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेस्टनेट एंड अंडरस्टैंड द डिटेल इन्फॉर्मेशन। और दिस इज द टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट, और उनके वेबसाइट पर उन्होंने रिलीज किया हुआ है, यहाँ पे यू कैन रीड दिस। यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया हुआ है, नेट के बाद, टेस्टनेट के बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव कॉल लेटर फॉर सेकेंड राउंड, जो कि PIT PI होगा या तो फिर और ऑनलाइन असेसमेंट हो सकता है, ठीक है, जो कि होगा आपका इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो उसके पहले आपका टिस्मैट एंड पैट विल बी कंडक्टेड बिफोर द ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। तो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के पहले आपका मैट एंड पैट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके और भी डिटेल अपडेट नहीं दिया हुआ है, पैटर्न को लेके अपडेट नहीं दिया हुआ है। सो फार दे हैव नॉट रिलीज डिटेल इन्फॉर्मेशन, बट 2021 का स्टैट्स देखते हैं उस समय पैटर्न क्या था, ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपका पैटर्न था 2021 का, ठीक है। सो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट टिस्मैट ओनली फॉर द HRMLR एंड ODCL स्टूडेंट। इसके अंदर आपका कॉम्प्रेशन आएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, मैनेजमेंट डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब DI आपका रहेगा 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, देन बिजनेस अवेयरनेस जिसमें बिजनेस GK रहेंगे, लाइक मर्जर एक्वेशन हो गया, CEO हो गया, ठीक है, 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। सो 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, 30 मिनट्स में अपने को सॉल्व करना है। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, टिस्नेट के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट टिस्मैट में निगेटिव मार्किंग थी। ये भी 2021 के स्टैट्स पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रॉन्ग हुआ अगर आपका क्वेश्चन तो निगेटिव मार्किंग रहेगी। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट टिस्नेट में सेक्शनल कट ऑफ है 14 मार्क्स का GK का कट ऑफ। तो जितने लोगों को नहीं पता है भाई, आपको GK में 14 मार्क्स मिनिमम तो लेके आना पड़ेगा। सो अभी तक कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं किया हुआ है टेस्ट ने, बट इसके अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्टिव भी ऐड किया था, बट उसके बाद चेंज किया था। तो ये रफली इन्फॉर्मेशन पकड़ के चलो कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा, DI आएगा, बिजनेस GK आएगा। अगर आपने टेस्ट नेट अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो उसके अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर कर लेते हैं और DI भी प्रिपेयर कर ही लेते हैं, और बिजनेस GK थोड़ा सा हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अपनी प्रिपरेशन में, सो इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर, चाहे लाइव क्लास है तो क्लासरूम, तो सब चीज़ कवर हो जाएगी, उसको लेके टेंशन मत लो। बट अभी के लिए आपका जो मेन टारगेट है वो है टेस्ट नेट, क्योंकि वो स्टेज वन अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर भाई अपन स्टेज टू के लिए कहाँ से आएंगे, ठीक है। सो प्रिपरेशन को लेके टिस रिले एंड टिस पायलट बोथ दी बैचेस एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च। सो ये स्टार्ट हो गई है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन देन कैन ज्वाइन टिस रिले 2.0 बैच। टिस पायलट बैच नवंबर एंड या प्रोबेबली दिसंबर तक, फर्स्ट वीक तक चालू हो जाएगी, तो यू कैन ज्वाइन टिस पायलट बैच। इसके करिकुलम वाइज इसके अंदर वीडियोज़ है, मॉक है, ई बुक्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। तो यहाँ पे मॉक आपको 25 मिलेंगे, इसमें 10 मॉक है सिर्फ, बाकी वीडियोस ई बुक्स विल रिमेन सेम, ठीक है। सो दोज हु हैव नॉट येट स्टार्टेड, भी आपके पास अभी दिसंबर बचा है और जैन बचा हुआ है, फैब में तो अपना एग्जाम ही है, 2 महीने का टाइम है, चालू कर दो प्रिपरेशन, डीले मत करो, ठीक है। एंड वंस यू ज्वाइन विच एवर बैच, वीडियो लेक्चर का एक्सेस, ई बुक का एक्सेस, मॉक का एक्सेस ले लेना। वीडियो लेक्चर्स में से इंग्लिश में से ग्रामर चालू कर देना, मैथ्स में से स्पीड मैथ्स लिख लो, ये परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन ये चालू कर दो, 3 टॉपिक करना है अपने को। बाकी आपका GK में स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स चालू कर दो, जैन 2022 से आपका करंट अफेयर्स चालू कर दो, स्टैटिक में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, हैंडआउट्स भी है, वीडियोज़ भी है, स्टार्ट गोइंग थ्रू ऑल द डेटा, ठीक है। सो आई होप टिस्मैट वाला पार्ट क्लियर है, फिर भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लो, एंड मोर वीडियो विल बी कमिंग अप। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैनुअल टेस्ट इंटरेस्ट का अलग से चैनल है जहाँ पर टेस्ट के वीडियोज़ मिलेंगे सिर्फ, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। ये सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस को लेके मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। सो फुल फ्लेज में लग जाओ प्रिपरेशन को लेके, एक सीट अपने को सेव करनी है फॉर आवर करियर इन TISS कैंपस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।